दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं रैपिडी रूपी पर्सनल लोन ऐप को, और हम आपको बताएंगे कि आपको इस ऐप को कंसीडर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपको इस ऐप को यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, यह ऐप रियल है या फ्रॉड है, हम आपको जो सब कुछ इस ऐप के बारे में बताने वाले हैं। और यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको इस ऐप से रिलेटेड कोई भी क्यूरीज नहीं रहने वाली है, ठीक है। तो यार वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही ऐप से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं, ठीक है। तो आपको हम बता दें तो ऐप का नाम यहां पे देख सकते हो, तो ऐप का नाम यहां पे है पर्सनल लोन ऐप रैपिडी रूपी, ठीक है। और यहीं पर बात करें ऐप की कंपनी की, तो ऐप की कंपनी है ऐप AFG बिजनेस सॉल्यूशन इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है यहाँ पर। और यहाँ पर बात करें यहाँ पे ऐप की साइज की, तो ऐप का साइज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 17 MB का। और यहीं पर बात करें यहाँ पे ऐप की रेटिंग की, तो यहाँ पर आपको 4.3 की यहाँ पे रेटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। और यहीं पर बात करें कि डाउनलोड की, तो यहाँ पर आपको डाउनलोड 1,000,000 लोगों ने यहाँ पे डाउनलोड किया है, ठीक है। यहाँ पर रेटिंग आपको जो 4.3 की रेटिंग देखने को मिल जाएगी, आप यहाँ पे देख सकते हो रेटिंग यहाँ पे 4.3 की है। और यहाँ पे आपने जो कस्टमर यहाँ पे आपको जो है अपना रिव्यू देख के यहाँ पे मिल रहा है कि बोर्स्ट एक्सपीरियंस एज अ वन पिक, ये अब यहाँ पे जो है आपको यूज़र को जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानी यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर आप जो है और सारे काफ़ी सारे रिव्यूज़ देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे यूज़र ने रिव्यू दिया है। और यदि आप हम बात करें इसकी जो है ऐप के अबाउट के बारे में, तो यहाँ पर आप अबाउट देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लोन ऐप जो बोल रहा है कि आपको जो यहाँ पे 15 मिनट में जो है यहाँ पे आपको लोन जो है अप्रूव कर दिया जाएगा, ठीक है। यदि हम आपको बताएं तो यहाँ पर आप जो है 1,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये तक का यहाँ पे इंस्टेंट लोन ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप जो बोल रहे हैं कि आप जो है 1,000 से लेकर 60,000 रुपये तक का लोन ले सकते हो। यहाँ पे टाइम पीरियड की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है 61 डे से लेकर 65 डेज तक यहाँ पर जो आपको टाइम पीरियड देखने को मिल जाएगा। और यहीं पर बात करें इंटरेस्ट रेट की, तो यहाँ पर आपको जो है 12% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये भी मेंशन कर रहा है कि आपको जो प्रोसेसिंग फीस, स्टार्टिंग प्रोसेसिंग फीस है आपको 349 रुपये आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर आपको सब कुछ मेंशन कर दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1,000 से लेके 60,000 रुपये तक यहाँ पे आपको लोन प्रोवाइड कर दी जाएगा, ये बात तो हो गई। और यहीं पर आप देख सकते हो कि आप जो किस किस टाइप का यहाँ पे जो है ऐप लोन प्रोवाइड करेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पर्सनल लोन यहाँ पे ये ऐप प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे स्मॉल पर्सनल लोन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है कैश लोन भी यहाँ पे ऐप प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर कैश लोन आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे यहाँ पे लोन आपको देखने को मिल जाएगा ऐप यहाँ पे। और यहीं पर बात करें यहाँ पे क्राइटेरिया की, क्यों आपके लोन को लेने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया आपको होना चाहिए, तो पहला तो यहाँ पे आपको कि यहाँ पे इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर सबसे यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम आती है यदि आपकी एज 22 साल से यहाँ पे नीचे है तो आप यहाँ से लोन कंसीडर नहीं कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एज आपको यहाँ पर एज देख सकते हो, यहाँ पर एज आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी 22 साल से लेकर 60 साल तक यहाँ पर आपको एज देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है इस ऐप की, यदि आप जो 22 साल से नीचे हो, ठीक है, 18 19 साल के 20 साल के हो, तो यहाँ आपको लोन जो है नहीं प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको लोन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। यहीं पर बात करें इसके अलावा, यहाँ पर आपको मंथली जो है आपकी मंथली सैलरी यहाँ पर जो है 10,000 होना चाहिए, ठीक है, जब आपको ये ऐप जो है लोन प्रोवाइड करेगा। और यहीं पर बात करें रिक्वायर्ड यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट्स की, तो यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, मतलब यहाँ पे ज़्यादा कुछ लोचा नहीं है डॉक्यूमेंट को लेकर। यहाँ पर आपको सिर्फ जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड और यहाँ पे एक सेल्फी लगने वाली है, ठीक है। आपको इस तरीके से आपको यहाँ पे देख सकते हो। और यहीं पर बात करें इसकी जो है कि आपको जो इस ऐप में यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको बताऊं यार, ठीक है, यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे केसेस हो चुके हैं, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पर ये कि ऐप जो है आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड ले रहा है आपसे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप 15-12% का आपको यहाँ पे इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यार बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। और यहीं पर बात करेंगे आपको जो काफ़ी सारी जो है एक्सटर्नल फीस भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे एक्सटर्नल फीस भी आपको इस ऐप में देखने को मिलेगी, तो यार बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है इंटरेस्ट तो ले रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है, यदि आप जो है यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, यदि आप जो है 4,000 का लोन लेते हो, ठीक है, 90 दिन के लिए, तो आपको जो है यहाँ पर वन टाइम जो है फीस लगने वाली है 599 रुपये यहाँ पे फीस लगने वाली है। इसके अलावा भी आपको जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे और आपको एक्सटर्नल फीस यहाँ पे देखने को मिल रहीगी, ठीक है। यहाँ पर यदि आप 4,000 रुपये लेते हो तो यहाँ पर आपको जो है
₹700 यहाँ पे कुछ आपको एक्स्ट्रा फीस देने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है, यदि आप 4000 का लोन लेते हो तो आपको जो ₹700 आपके 4000 में से काट लिया जाएगा। और यहाँ पर आपको जो है, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि ₹4000 आप 90 दिन के लिए लेते हो, तो यहाँ पर आपको जो है पर मंथ का जो है पेमेंट देना पड़ेगा ऐप को, तो वो है ₹1572 आपको पर मंथ देना पड़ेगा, ठीक है। 90 दिन के लिए यहाँ पे ऐप जो है आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है, तो आपको यहाँ पर मंथ ₹1572 यहाँ पर देना पड़ेगा। और यहां पर मैंने आपको बताया वैसे भी कि यहां पे आपको बहुत सारी फीसेस देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पे वैसे तो यहां पे इसका इंटरेस्ट भी काफी ज्यादा है और यहां पे आपको जो फीस भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो फीस भी जो एक्सटर्नल फीस जो आपको सारे काफी सारी देखने को मिल रही है, तो मैं तो यही कहूंगा कि यार जो है आप पहली बात तो लोन ला ही ले किसी भी ऐप से, ठीक है। आजकल में क्या हो रहा है कि लोन ऐप जो क्या कर रहे हैं कि आपको जो समय से पहले आपको जो है पैसे पेमेंट करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। आपको जो है, आपको मैंने कई सारे इंडिया में केसेस हो चुके हैं कि लोन ऐप से रिलेटेड आप वो व्यक्ति लोग जो कस्टमर लोग जो है अपने यूजर लोग जो है लोन लेते हैं, ठीक है। और आपको जो समय से पहले आपको जो है जो तंग करते हैं, हरस करते हैं, ठीक है। और आपकी जो है पर्सनल फोटोज को जो है एडिट करके, बहुत सारे ऐसे केसेस हो चुके हैं, मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है। और यदि मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो यहां पे मैं आपको स्पेशल चीज दिखा रहा हूं, एक बहुत ही खतरनाक चीज दिखा रहा हूं, वो यहां पे ये है कि परमिशन। आप देखो यहां पे आपको ऐप कौन कौन सा परमिशन ले रहा है, ठीक है। यहां पर सबसे पहले कैलेंडर यहाँ पे जो परमिशन ले रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको कैमरा का परमिशन यहाँ पे पूरा मिल जाएगा, ठीक है। टेक पिक्चर एंड वीडियोस, ठीक है। ये सबसे बड़ी बात ये होगी कि आपको कैमरा का यहाँ पे फ्यूचर मतलब परमिशन ले रहा है, ठीक है। इसके बाद अदर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे एडवर्टाइजिंग आईडी, ठीक है, परमिशन ले रहा है। यहाँ पे रन एंड स्टार्टअप, आंसर फोन कॉल, ठीक है, आंसर फोन कॉल तक का ले रहा है, ठीक है। देख रहे हो, समझ रहे हो आप, आंसर फोन कॉल तक का यहाँ पे ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो है वाईफाई कनेक्शन का बहुत सारे यहाँ पे जो है एक्सटर्नल परमिशन ले रहा है। तो क्या मैं बता रहा था आपको कि जो है इंडिया में कई सारे केसेस हो चुके हैं ऐप को लेके आपको जो ब्लैकमेल कर दिया जाता है, ठीक है। बहुत सारे जो है आपको हरेसमेंट कर दिया जाता है, ठीक है, हरेसमेंट करते हैं ऐप। तो मैं ये कहूँगा कि यदि आप लोन ले रहे हो तो जेन्युइन ऐप से लें, ठीक है, आप जेन्युइन ऐप से लें, अच्छे ऐप से लें। और मैं तो ये रिकमेंड करूँगा आप लोन ना ही लें जो इंटरनेट से, ठीक है, इंटरनेट से लोन ना ही लें। यदि आप जो बैंक कंसिडर कर सकते हो तो बैंक देखें और ऐप से आप लोन ना लें। और यदि देखा जाए इस ऐप के बारे में, तो यार इस ऐप से आप जो है लोन ले सकते हो, बट आपको जो यहाँ पे आपको जो है ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा, ठीक है। और यार वही बोल लूँगा कि आपको जो लोन ले तो आपको जो जेन्युइन ऐप से लोन ले, ठीक है। और वही है, आपको रेटिंग भी यहाँ पे ठीक ठाक देखने को मिलेगी, बट ठीक है यार, आप जो ले सकते हो तो ले सकते हो, यदि आप ज़्यादा अफोर्ड करते हो, ठीक है, आप ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना अफोर्ड करते हो तो आप इस ऐप से भी ले सकते हो, ट्राई कर सकते हो इस ऐप को भी, ठीक है। तो यार बस वही था कि मेरा ये कहना कि आप जो जेन्युइन ऐप से लें और फालतू में इतना जो है इंटरेस्ट रेट देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यार बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। आप जो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ ऐप से रिलेटेड, अर्निंग ऐप से रिलेटेड, ठीक है। आपको जो बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल में देखने को मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।